नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो जिला अध्यक्ष पदम जैन ने की है प्रेस वार्ता। इनेलो का संगठन पूरे देश में मजबूत है। संगठन में बदलाव एक साधारण प्रक्रिया है। पदम जैन बोले, संगठन की मजबूत बनाने के लिए इनेलो सुप्रीमो ने किया है बड़े बदलाव का फैसला। इनेलो एक अनुशासन वाली पार्टी है। जो भी फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लिया है सबके लिए मान्य है, और जो भी फैसले लिए गए थे वो अनुशासनहीनता की वजह से लिए गए थे। 1 नवंबर से नए सिरे से SYL को लेकर के शुरू किया जाएगा अभियान। इनेलो व बसपा का समझौता चट्टान की तरह मजबूत। प्रदेश में संगठन की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा जिले में इनेलो अध्यक्ष पदम जैन ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इनेलो का संगठन पूरे देश में मजबूत संगठन है और इसमें बदलाव एक साधारण प्रक्रिया है। और वहीं उन्होंने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए इनेलो सुप्रीमो ने इस बदलाव का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि इनेलो एक अनुशासन वाली पार्टी है, और जो भी फैसला हो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लिया है वह सबके लिए मान्य है। यह फैसला अनुशासनहीनता की वजह से लिया गया था। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से SYL के मुद्दे को लेकर के नए सिरे से इनेलो अभियान चलाएगी। सरकार के खिलाफ SYL को लेकर के प्रदर्शन भी करेगी। जब उनसे इनेलो और बसपा के समझौते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनेलो और बसपा का समझौता एक चट्टान की तरह मजबूत है, और आने वाले चुनाव में इनेलो और बसपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मायावती के साथ मिलकर के इनेलो सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सिरसा के नगर परिषद में सरकार शहर के विकास के लिए काफ़ी फंड है, उसके बावजूद भी भाजपा सरकार शहर के विकास कार्य में नहीं करवा रही है कोई योगदान। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। संगठन के अंदर बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। ये सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नहीं, बल्कि सभी पार्टियां समय समय पर संगठन में बदलाव करती रहती है। इसी के तहत अभी कुछ समय पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने भी कुछ बदलाव किए, क्योंकि 2019 के अंदर देश और प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। इसके तहत संगठन में और तेजी आए, संगठन के कार्यकर्ता और अच्छा संगठन को मजबूत करने का काम करें। अनुशासन के मामले में भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से एक अनुशासित पार्टी रही है। परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो ये फैसले लिए उनकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर अनुशासन ना हो तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाती। समय समय पर जब भी बदलाव हुए तो विभिन्न पार्टियां हमेशा से ये कहती रही कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो रहेगी नहीं। लेकिन जब जब उनकी सोच बनी तब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और ज़्यादा संगठित होकर और ज़्यादा अपने कार्य को बढ़ाने के अंदर काम किया। आज भी परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और वो जो भी फैसला लेंगे या जो फैसला लिया है हम उनका सर्वसम्मति से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। SYL का पानी हमारा जीवन रेखा का एक अंग है, तो 1 नवंबर से फिर जनता के बीच में जाकर लोगों को बताने का काम करेंगे।
बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब से समझौता हुआ है तब से सभी पार्टियां हमेशा ये सोचती रही है कि इनका समझौता किस प्रकार से टूटे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का समझौता और बहुजन समाज पार्टी का समझौता दोनों नेताओं ने मिलकर, बहन मायावती जी ने और परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने लिया है, और वो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा के चुनाव के अंदर एकदम चट्टान की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा।